हेलो। हाँ बोलिए सर। जी नमस्कार सर, मैं रवि कुमार बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ कैसे हैं सर आप? ठीक है सर, बोलिए। हाँ अच्छा, ठीक है सर। अभी हमारे ऑफिस में जो काम करते हो भाई साहब ने बताया कि आपके साथ में बहुत सारे धोखा फ्रॉड हुआ है। हमने कहा चलिए जी, ठीक है जी, हाँ जी, आपके यहाँ फोन करते हैं और पूछते हैं कि कैसे आपके आपके साथ में धोखा फ्रॉड हुआ है, और आज आपको हाँ जी, तरीका भी बताएंगे जिससे आपका पैसा आपको रिटर्न दिया जाए। हाँ जी, जी समय है सर आपके पास? हाँ कुछ जी, हाँ काम जी, कर मैं रहे घर हैं? में हूँ। आज इसके लिए आपको कॉल किया था मैंने। जी। आपके आपके व्हाट्सएप पे जो भी है मेरे पास, जितने भी थे वो सब आपके व्हाट्सएप पे मैंने डाल दिया है। अच्छा, ठीक है सर। समय कम रहता है तो मैं कभी कभी व्हाट्सएप नहीं चेक कर पाता हूँ। आपने पूरी जो डिटेल है व्हाट्सएप पे हमारे भेजा है सर? हाँ सब डिटेल मेरा नाम भेजा है। मैं एयर इंडिया में सर्विस कर रहा था, मेरा नंबर नीचे लिखा है। फर्स्ट में वो रुचि मैडम का मैंने फाइल डाला, 12,000 था ना उसने, वो अभी 1,000 रुपया मांग रही। उसके पहला अच्छा इंदौर का, सुनिए इंदौर का डाला है। सुनिए सुनिए सर, सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ जी, मैं आपको समय दूंगा, और पूरी हाँ आप बात मुझे अच्छे से बताइए किस साल से आपके शुरुआत के साथ में जो घटना हुई, क्या क्या पूरी चीजें हुई, और साथ में मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी, जिस वीडियो के अंतर्गत ना ही आपका नाम होगा, ना ही आपका मोबाइल नंबर होगा, ना ही आपकी कोई निजी जानकारी साझा करूंगा। लेकिन हाँ सर जी, हाँ जी, जो आपके साथ में दुर्घटना हुई है, चाहता हूँ कि मैं आप इस चीज को मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करें, बताइए, ताकि ये हाँ एक जी, प्रकार से दुनिया के लिए मैसेज भी हो कि ताकि और भी किसी के साथ में इस प्रकार का धोखा फ्रॉड ना हो, और साथ हाँ में जी, हाँ जो पैसा जी, आपका अभी तक इन लोगों ने खाया है वो पैसा आपका ये लोग रिटर्न करें। तो आप मुझे हाँ बताइए कि जी, आपके साथ में कैसे, कब, क्या हुआ, कितने समय पहले की बात है कि आपके साथ में ये दुर्घटना हुई? ये अभी देखो, पहला जो बता रहा हूँ मैं, आपने जो सर ने नंबर लिखा है, जो सेवन हाँ सेवन लाश वाला और सेवन जीरो हाँ लाश वाला, उसको अभी 8 महीने से हो गया, 10,000 रुपया हमारा खाया है। इंदौर वाला है वो, इंदौर, इंदौर वाला है। हाँ इंदौर वाला है, 2 नंबर है अच्छा उसका। अच्छा और और उस मुझे ये बताइए कि उसका आपको नंबर कहाँ से मिला, यूट्यूब से या फिर फेसबुक से, कहाँ से नहीं, आपको? उस वो उसने मुझे कॉल किया है, उसने मुझे कॉल किया और बताया कि 5,000 डालेंगे तो आपको नंबर दिया जाएगा और एड्रेस दिया जाएगा। तो ठीक है, मैंने फिर 3,000 डाला, तो फिर 2,000 दूसरे दिन डाला, 5,000 डाला। डालने के बाद फिर बोलता है 5,000 डालना पड़ेगा, तो फिर मैं लेट किया डाला, फिर उसको 5,000 और डाला, 10,000 पे बोला लेट फी पड़ेगा, 5,000 और 5,000 मांगता। मैं बोला तू चुतिया बना रहा है मुझे, मैंने पैसा डाला नहीं। और जो इंदौर की मैडम थी वो भी यूट्यूब चैनल पे है, वो फिर उनको बोला मैं दूसरा देंगे। मैं बोला ठीक है, अभी 10,000 रुपया उसके अकाउंट में नीचे लिखा है, नीचे लिखा है दस अच्छा हजार रुपया हाँ लिखा है। और दो अच्छा जी, नहीं ये सब लोग आपको मिले कहाँ पे? आपने YouTube पे वीडियो देखा था, या फिर न्यूज़पेपर में नंबर लिया था, या नहीं फिर नहीं Facebook वो से? उसने डायरेक्ट YouTube चैनल से मेरा नंबर ले लिया और मुझे कांटेक्ट किया। मैंने नंबर ले लिया था, वो लोग ने मुझे YouTube के नंबर निकाल के मेरे को डाला है। तो ये बताइए, आपने उनकी वीडियो के अंदर में कोई कमेंट वगैरह किया था, या आपने नंबर वगैरह लिखकर भेजा था क्या कमेंट नहीं में? आपको नहीं, मैं YouTube चैनल पे है, मेरा नंबर भी और मेरा फाइल भी डाला है, तो इसीलिए अच्छा वो अच्छा लोग अच्छा ने, अच्छा हाँ तो मेरा नंबर लेके वो लोग ने मेरे को कंफर्म किया। आपको लड़की का फोटो वगैरह भेजे थे? हाँ लड़की का फोटो था मेरे पास है, लेकिन डिलीट हो गया। एक जगह पे है फोटो उसका, पहला इंदौर वाले का, लेकिन वो फोटो जा रहा नहीं आपके पास, इसके लिए वो ऐसा है। सर वो लड़की का फोटो नहीं होगा, ना ही उसका माँ का होगा, ना ही उसके बहन बेटी का। वो मालूम कहाँ का फोटो होगा? गूगल का फोटो होता है नहीं इंदौर, वो भी इंदौर की थी, इंदौर की है। सर। वो लड़कियां जो रहती है ना, वो कोई अपने बहन बेटी के उनको ऑफिस में काम करने वाली लड़की का फोटो नहीं भेजते, गूगल से फोटो डाउनलोड कर लेते हैं, गूगल का ही फोटो आप लोग के पास भेजते हैं। हाँ तो वो यूट्यूब चैनल पे भी है, यूट्यूब चैनल पे भी है, मैंने देखा है उसको। आपके साथ में टोटल कितने पैसे का अभी तक धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ सर? अभी मेरे मेरे ऐसा तो गिनती करके तो मेरा 70,000 रुपया तो चला गया ऐसा ही। 70,000 रुपए चले गए? हाँ 70,000 रुपया, तो भी मैं रात दिन गाड़ी चला के पैसा जमा जमा कर करके पेट को खाया नहीं, लेकिन मैं बोला जल्दी से मेरा हो जावे और मैं कर देवे। एक तो मैं हिरने में राजीनामा देके बैठा, बहन भाई का शादी किया, पैसा मेरे पास आया नहीं, खुद की गाड़ी है,
वही रात दिन गाड़ी चलाता हूँ, फोर व्हीलर, और वही गुजारा करता हूँ। माँ है बीमार 85 उम्र की, अभी इतना तकलीफ है, खाने को पैसा नहीं, मुझे इतना परेशान है, भाड़ा नहीं, तो अभी देखो ऐसा परेशान में घुस गया मैं। हेलो, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। हाँ तो और वो इंदौर वाला का 10,000, वो 5,000 रुपया मेरे को बोल रहा है अभी भी, मेरे चैनल पे, मेरे मेरे व्हाट्सएप पे है उसका नंबर भी, और उसने अभी वो मैडम को बोला हो गया शादी, तुमको दूसरा मैडम देती है नासिक वाला, लेकिन 5,000 भरना पड़ेगा। मैडम क्या उसकी घर की मैडम की शादी हो गई 6 महीने में, शादी होना क्या हलवे का खाने का काम रहता है क्या कि वो लोग शादी करा वो इस पर समझते सर, कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है ना सर, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि जब, लेकिन सर आप लोग क्यों नहीं समझते हैं। अभी ये पहला टाइम तो ऐसा धोखाधड़ी हो गई, उसके पहला तो मेरे से अभी 5,000, 2,000, 2,500 रुपए का तो फटका, बाद में बहुत दिन हो गया मैं कम किया था, लेकिन ये चल के आया, मैं बोला चलो हो जावे, वो बातचीत वो सब राजी हो गई, मैं सब संभालने को तैयार है, सब है मेरे पास, ऐसा है वैसा है, इसके लिए मैं चक्कर में आके पैसा डाल दिया, बाद में मुझे मालूम पड़ा चल भाई ये भी फॉल्ट वाला है, नहीं डालना भाई, अभी तक पैसा नहीं डाला, फिर दूसरा एक चक्कर में आ गया, फंस गया, वो भी मैंने वैसे ही बात किया, 1,000 1,000 करते 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 12,000 लिया, और तू भी रिश्ता दिया नहीं, वो रुचि पांडे करके। आपको एक बार बताइए सर, कैसे आप लोग इनके चक्कर में पड़ते हैं, मुझे तो यही नहीं, मेरे यहाँ आदमी 500 रुपया भी बोलता हूँ ना सर, 500 रुपये भी है ना, तो लोग 20 बार सोचते हैं, बोलते हैं तुम अरे सर, आप जो बोलते हैं मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है, आप मुझे सुनने के लिए, लेकिन मेरे को दिल मेरा डर रहा है आप मेरा सुनने के लिए, लेकिन अभी अभी के फिलहाल में 100 रुपया मांगेगा क्या, 10 रुपया मांगेगा, कोई दे रहा नहीं, बोलो मैं ये सोच रहा हूँ क्या मैं इतना पैसा डाल के फुकट बर्बाद हो गया, वही करो ना जो आपने डाला है उसका क्या, वही अभी क्या करो, अभी देखो जैसा वही हो गया वैसा अभी क्या करो, बोलो वही, और ये वही वही 50-60-70 हजार रुपए में से अगर आपने 10,000 भी जेब में रखने के बाद जो लोग ऑफिस खोल के मार्केट के अंदर में बैठे अगर उनके पास जाते उनके टेबल पर रखते कि सर 10,000 का आपको पैसा दे रहा हूँ कृपया मेरी शादी करवा दीजिए, तो कुछ ना कुछ तो कम से कम टूटी लंगड़ी अंधी कुछ तो बहरी कोई तो आप किसी से तो शादी करवा देता। अरे सर मैं ऐसा ही भी बात बोला उन लोग को भाई कागज चुनने वाली तो बता दे तेरे पास नहीं होगी, तू लास्ट में गुस्सा होके बोला तेरी बहन होगी तो दे भाई मैं कमा के खिलाऊंगा, बोलो ऐसा कितना गंदा भाई, और ये को तो बहुत गंदा गंदा गाली दिया है, वीडियो कॉल करके मैंने गला गाली दिया है। आप एक काम कीजिए, हाँ जी मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो है, इस वीडियो का नाम है ईंट का जवाब पत्थर से, हाँ जी ईंट का जवाब पत्थर से उस वीडियो का नाम, उसमें मैंने 3-4 कॉन्टेक्ट नंबर बताया हूँ, हेल्पलाइन नंबर बताया हूँ कि किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर धोखा फॉल होता है ऑनलाइन शादी विवाह के नाम से, हाँ जी हाँ, तो वो आदमी कैसे पुलिस के या साइबर क्राइम के यहाँ पे अपनी कंप्लेन करके अपना पैसा रिटर्न पा सकता है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, और एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी नोट करने के बाद 1 घंटे 10 मिनट बाद ही फोन कट करने के बाद ही आप फोन कर लेना, ये जो नंबर है सरकारी नंबर पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे भारत का की कंप्लेन उस नंबर पे की जाती है, और वो नंबर है 1930। हेलो हाँ बोलिए, मैं नंबर लिख के लेता हूँ। हाँ सर नंबर है 1930-1930 1930-00 1930 अच्छा वही 1930 खाली 30 है ना बस खाली, हाँ हाँ खाली 30 चार ही नंबर है, चार ही अंक है, 1930 चार अंक है, चार नंबर है। अच्छा 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 ठीक है, चार ही बराबर है 1930 1930 हाँ 19, जैसे आदमी साथ में जब गड़बड़ होता है तो आदमी बोलता है गया अरे यार 1920 हो गया, लेकिन अगर आपके साथ में कभी गलती से कुछ हुआ है 1920 हुआ है तो आपकी जो सरकारी हेल्पलाइन नंबर है 1930 सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल क्राइम ब्रांच के पास ही आपका फोन जाएगा, जिस भी व्यक्ति के अकाउंट में आपने पैसा डाला अगर उसका मोबाइल नंबर उसका अकाउंट नंबर या उसका नाम पता जो भी आपके पास जानकारी है फोन करके सीधा बोले मैडम मेरे साथ में इस प्रकार का धोखा और फ्रॉड हुआ और शादी विवाह के नाम पे इन्होंने मेरे साथ में धोखा किया फ्रॉड किया और इतना इतना पैसा लिया है, और आपके जैसे जब 10 लोग
15 लोग 20 लोग उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करेंगे या एक करेंगे दो भी करेंगे, तो व्यक्ति जब पुलिस स्टेशन में आकर सवाल का जवाब देने के लिए जब उससे पुलिस वाले वेरिफिकेशन करेंगे, पूछेंगे भैया तूने पैसा लिया तो क्यों लिया और लिया तो फिर शादी क्यों नहीं करवाया। हाँ जी। और इस दौरान जब उसके अकाउंट की जांच होगी या उसके खिलाफ कितने लोगों ने कंप्लेन किया, जब सारे लोग जांच की और उसके अंतर्गत आपका भी मोबाइल नंबर रहेगा, तो आपका जो अमाउंट है वो 4 महीने बाद 6 महीने बाद वो आपके खाते में या जिस भी माध्यम से आपने पैसा भेजा आपसे संपर्क करके आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और ये बात कोई मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, 1930 के बारे में आप YouTube पे वीडियो मंगा के दे सकते हैं, जहाँ पे सरकार और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लोग खुद जनता को सलाह दे रहे हैं कि कभी भी किसी प्रकार का धोखा फ्रॉड होता है तो कृपया इस नंबर पे फोन कीजिए। और एक काम कीजिएगा सर। हाँ जी। ये जिन लोगों ने आपसे पैसा लिया है ना, हाँ जी, उनको फोन लगा के बोलिएगा कि यूपी में एक रहने वाला एक भैया जिसका नाम रवि कुमार है, हाँ जी, हाँ, बोल दीजिएगा रिश्ते में तुम्हारा बाप लगता है और जो पैसा लिए हो चुमार के रिटर्न कर दो, नहीं तो उसके बताए हुए रास्ते पे मैं जाके कंप्लेन करने वाला हूँ और फिर वो आपका हाथ को जोड़ के आपको 20,000 लौटाएंगे, आपका 10,000 लौटेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 लाख रुपए का जो घोटाला या जो ब्लैक काला धन अपने पास रखा है, पैसा जो जनता का खा के रखे, उनको डर है कि 10,000 नहीं देंगे तो मेरा 10 लाख भी चला जाएगा। हाँ जी, उठाइए फोन, हाँ उठाइए फोन और बोलिए पैसा का रिटर्न कर रहा है तो शांत बैठो, अगर पैसा नहीं रिटर्न करेगा ब्याज के साथ में बोले कि 10 लिया तो 15 मेरे को दे, हाँ जी, और नहीं अगर बोलता कि नहीं रिटर्न करूंगा तो फोन लगाना 1830 नंबर पे, कंप्लेन करने के बाद उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी वो रिकॉर्डिंग उठा के उसको भेज देना, तो 4 घंटे बाद बोलेगा भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, चाचा हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने जो पैसा दिए थे रिटर्न ले लो, लेकिन कंप्लेन रिटर्न ले लीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, मैं अभी उनको क्या लगता है सर, उनको क्या लगता था कि उनका इस दुनिया में कोई बाप नहीं है, जो वो कर रहे हैं वो राजा है, वो उनकी सरकार उनकी गवर्नमेंट है, बाकी दुनिया चूतिया, आप आदमी तो कुछ जिंदगी कर नहीं सकता, कुछ उखाड़ नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, दिलाइए उन लोगों को उनकी औकात, याद दिलाइए उन लोगों को उनका जो 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 कर रहे हैं ना। हाँ जी, वो समझाइए एक आम आदमी जिंदगी में क्या उखाड़ सकता है, क्या बना सकता है, वो उनको उन लोगों को मालूम करना चाहिए। उसके बाप की कमाई थी जो 10,000, 5,000, 20,000 करके लिए, उनकी माँ ने कमा आपको दिया था कि आपने अपनी खुद कमाई पसीनी की कमाई उनको दिया था। हाँ जी, हाँ जी, वही ब्रोक पॉट कर रहा, क्या करो अभी, वही समझ में नहीं आ रहा है, यही पीछे भाग गया अभी, क्या करो समझ में नहीं आ रहा है। सीधा बोलिए कि तेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके FIR कर रहा हूँ और ऑनलाइन भी कंप्लेन कर रहा हूँ। मैंने बोला उसको, बोला है जो इंदौर वाला बुड्ढा है उसको, मैंने क्या बोला, देख भाई तू मेरा काम नहीं करेगा, YouTube चैनल पे तेरा मैं तेरा नंबर डालूंगा, मेरे को बोला जो करना है कर लेना, मैं बोला ठीक है जो मेरे से होएगा मैं कर लूंगा, लेकिन तू याद रख फिर रास्ते पे नहीं जाना, फिर बोला जा तेरे क्या करना कर, मैं को पैसा वापिस दे ना तो रिश्ता लग, मैं पैसा नहीं डालने वाला, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने बोला उसको। आप लोग पहली बात तो डरो, किस चीज का डर है, पैसा आपने कमाई शादी आपको करना है, किस चीज का, समाज का डर है, माँ बाप का डर, पड़ोसी का डर है कि पड़ोसी आपको मजा आके लेकर आ रहे, पड़ोसी ने क्या आपको पैसा कमा के दिया था क्या? अभी वो वैसा ही अभी वो उसका पीछे छोड़ दिया मैं, ये अभी वो साधना मैडम ने मेरे को फोन करके खुद दूसरे को नंबर लेके नंबर निकाला और मेरे को फोन करके बोल दी, पहला तो बोली 8,500 में काम करती, बाद में 8,500 बैंक में डाल दिया, फिर बोलती 8,500, मैं बोला क्या चुतिया बना रही क्या तू, फिर मैं मैडम को कांटेक्ट किया, बोला मैडम नहीं, बोली अभी वो 3,000 दे दिए, वो तुरंत नंबर देगी, 3,000 डाल दिया, फिर बोलती 2,000 डालना पड़ेगा, मैं बोला है नहीं पैसा तो मैं कैसे डालू भाई, है नहीं, अभी वो उधर रो रही, मैं बोला तू डालना पैसा मेरा, मैं तेरे को अकाउंट नंबर देता हूँ, भूगोल नंबर देता हूँ किसी का, या मेरा अकाउंट नंबर बैंक नंबर देता, तू पैसा तुम मैडम को भेजो, मैडम डालेगी, तुम्हें डाल नहीं, नहीं बोला तुम्हारा पैसा तुम ही भरने, मैं बोला ठीक है। ये लोग घुमा फिरा के चुतिया बनाते हैं। हाँ वही अभी वो साधना मैडम का पीछे वो जो उसका नाम है खुशी, खुशी नाम है उसका, कोई आधना साधना, कोई उसी खुशी, कोई रेखा प्रेखा चोपड़ा, कोई कुछ नहीं, सब साले धोखे, सब साले फ्रॉड, सब एक ही खाली एक ही खाले खाले पीने वाले वाले लोग हैं। नहीं पहला टाइम उसने डाला था वो, उसने 5,000 रुपया मेरा फ्रॉड कर दिया, उसने ऑर्डर जुटा दिया, बाद में 4 महीने के बाद फिर वो मैडम ने वापिस नंबर दूसरे को मेरा ढूंढा और फिर मेरे को कांटेक्ट किया है, बहुत जरूरी थी इसके वजह से मैं चक्कर में आ गया, मैं बोला चलो भाई ये तो फिर 6 महीने के बाद फिर मेरे को वापिस इसने रिश्ता लगा। अभी और हो रही थी ना, अभी आया है आप रूल आओ, अभी वक्त आया है आप रूल आओ, पुलिस स्टेशन तक FIR करो,
पुलिस स्टेशन तक वो खींच आए और जब तक आके आपका पैर पकड़ के आपसे माफी ना मांगे और ये भी ना बोले कि सर आपका पैसा मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तब तक पीछे मत हटिए, मत डरिए, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर आप साहस दिखा रहे, अगर आप ताकत दिखा रहे, अगर आप हिम्मत दिखा रहे तो आपका जो पैसा वक्त समय जो बर्बाद हुआ सब कुछ रिटर्न आएगा। लेकिन अगर आप हार मान लेंगे, शांत होकर घर पे बैठ जाएंगे, तो सर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बता सकता हूँ कि आपको कैसे क्या हो सकता है। और रही बात आपकी रुपए की, आपकी जानकारी की, तो मैं आपका नंबर नोट डाउन कर देता हूँ, मैं दो एक दिन में आपको वापस फोन करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें आपकी पर्सनल जानकारी तो नहीं पूछ सकता हूँ। ठीक है सर, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ चलेगा चलेगा सर। मेरे लिए जरा देखिए आप, जरा मैं आपका बात मैंने सब मान लिया था, लेकिन थोड़ा सा बाहर गया था, इसके लिए मैं 501 रुपया डाला नहीं, फिर अभी चार नहीं 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 नहीं, 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 नहीं सर, पैसे की कोई बात नहीं। आप कृपया आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे कोई भी पैसा ट्रांसफर ना कीजिए, मैं आप जैसे लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। जब तक आपका रिश्ता नहीं होगा तब तक मैं आपको रिश्ता भेजता रहूंगा। आपकी जो जानकारी है, हमारे स्टॉप या तो आपको फोन करेगा या कल दो एवी में फ्री होने के बाद मैं आपको फोन करके आपकी पूरी जानकारी दे लूंगा और आपके हिसाब से रिश्ता खोजूंगा। आपसे 10 दिन के अंदर जो भी रिश्ता मिलेगा मैं आपको एक एक करके दो दो करके रिश्ता मैं आपको भेजता रहूंगा। आप अच्छा मत आज सर, कोई आपको लेन देन नहीं करना चाहिए। बहुत 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 शुक्रिया, भगवान आपका भला करे सर। मुझे कोई नौकरी वाली अच्छा दो, मुझे कोई समझने वाली, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है देखने वाला, इसके वजह से आपको गुजारिश कर रहा हूँ, कम मुझे जरा थोड़ा सा देख लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आप पता ठीक है, आज ओके ठीक है। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर भी है, सब दिया है आपको। ठीक है ठीक है, अगर मैं नहीं कॉल कर पाऊंगा तो आप मुझे एक बार वापस फोन कर लीजिएगा। ठीक है, आप हाजी हाजी हाजी, ठीक है ठीक है, धन्यवाद सर। ओके थैंक यू, धन्यवाद जी।